कि मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि बेनामी प्रॉपर्टी कैसे बनाई जाती है या बेनामी ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है. ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोहिबिट दैट. जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर आया था तो मैंने मनी लॉन्ड्रिंग सिखाया था पहले कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है. तो बच्चे मनी लॉन्ड्रिंग सीखे निकल जाते हैं, बाद में बोलता रह जाता हूं कि इसको प्रोहिबिट करना. इसी तरीके से एक और एक्ट भी बताया था, इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग मेरे से सीख के उठ के चले जाते हैं, मैं बाद में चिल्लाता रह जाता हूं कि लॉ का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. तो यहां पर तुम लोग ऐसा मत करना. बेनामी ट्रांजेक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी, ये सब क्या होती है मैं सब सिखाता हूं, लेकिन मैंने पहले बोल दिया ये सब इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि तुम बेनामी ट्रांजेक्शन मत करना और बेनामी प्रॉपर्टी अर्जित मत करना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी. 2016 के बाद यह काफी खूंखार हो गया है. लेकिन बच्चे ये सोचते हैं खूंखार कितना भी हो, आपने ही एक लाइन बोला था, जो पकड़ाता है वो चोर होता है. हम पकड़ाएंगे ही नहीं तो चोर की क्या बात. याद रखिएगा, चोर आज न कल कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है.